गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दोका। जय जय श्री राधा रमण, जय जय युगल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय 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 प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गो वृंदावन बिहारी लाल के। जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री श्री जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की, सुरभि गोदावरी गौ माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद सदगुरु चरण श्री हनुमान जी महाराज सुरभि गोदावरी गौमा रजरानी यमुना महारानी समस्त संत भक्त महापुरुषों के पावन चरणारविंद में प्रवेश करते हुए वैदिक श्रीमद् भागवत जो 365 दिवसीय वार्षिक है जो सुरभि गोदावरी गौशाला श्रीधाम वृंदावन से आप नित्य हमारे फेसबुक पेज श्री ब्रजराज जी महाराज के माध्यम से श्रवण लाभ प्राप्त करते हैं, जिससे दो कथाएं आपको निरंतर नित्य सुनने को मिल रही हैं। एक कार्तिक दामोदर मास की पावन कथा और दूसरा वैदिक श्रीमद् भागवत बोध कथा। बंधु आप जानते हैं वैदिक श्रीमद् भागवत बोध कथा का एकमात्र उद्देश्य मानव जागृति, समाज जागृति, मानव जागृति का उद्देश्य समाज की जागृति है और समाज की जागृति का एकमात्र उद्देश्य राष्ट्र रक्षा है और राष्ट्र रक्षा का एकमात्र उद्देश्य धर्म रक्षा है। धर्म रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करते हैं धर्म उनकी रक्षा करता है। जैसे पिता पुत्र का सा संबंध है, जब हम धर्म की रक्षा अर्थात पिता रूपी धर्म की रक्षा पुत्र बनकर करते हैं सेवा और रक्षा, तो पिता सदैव हमें आशीर्वाद प्रदान करता है। उसी तरह बंधु जो भारतवासी जो मानव धर्म की रक्षा करता है धर्म उनकी रक्षा करते हैं। तो हम सबका एकमात्र उद्देश्य है कि हम सब रक्षा करें। और आज विलंब हुआ क्योंकि गायों के लिए भूसा लाने जाना था मंडी, वहाँ विलंब हुआ। साथ में क्योंकि कथा से पहला जो मेरा काम है वो गायों की सेवा है। सुबह जाने के बाद अभी जैसे ही हम लोग पहुँचे भूसे का काम इधर जारी है और इधर हम लोग यहाँ कथा से जुड़ गए हैं, तो थोड़ा विलंब आने के कारण मुझे खेद है। और जैसा मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप यह निश्चित मान लें कि कथा मैं नित्य करूँगा ही, समय सेवा कार्य ऐसे हैं आप जानते हैं सारे कार्य खुद ही करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ आप लोग तो आ नहीं सकते। और भूसा लाना, खल लाना, चुनी लाना, चोकर, दलिया, गुड़, दवाई, डॉक्टर्स, ये सारे कार्य ग्वारियों को देखना, लोगों को संभालना, समझाना, तो दास की सेवा लगी हुई है, तो बहुत सारे काम होने के कारण तो विलंब हो जाता है। तो इसके लिए मुझे खेद भी है। और आप सब जो भी श्रोता नित्य श्रवण कर रहे हैं कथा, वह अपने नियम को तोड़े नहीं, आप समय के साथ जुड़ जाया करें। हमारी राजकर्णवाल माता जी दिल्ली से, रीना चंदेल जी और नंदी नंदनी मामी जी, रीना मिनहा मिनास जी भी आप लोग जुड़ रहे हैं, और कुछ श्रोता जुड़ करके शायद सोचा कथा नहीं होगी, ऐसा नहीं है, कथा तो होगी। आंधी बरसात तूफान सब ना आए पर कथा जरूर होगी। और कथा के माध्यम से एक मुझे कहानी बड़ी सुंदर याद आई। हमारे श्रीधाम वृंदावन में गौरांग बाबा हुए, तो गौरांग बाबा नित्य कथा सुनाया करते थे। परिक्रमा करने जाते, परिक्रमा में एक दिन विलंब हो गया, और विलंब हुआ तो कथा में विलंब हुआ। जब कथा सुनने को नहीं मिली तो वहाँ के वृक्षों से आवाज़ आई, बाबा क्या आज आप कथा नहीं सुनाओगे? बाबा चुप रहे, सहम गए कि कोई है तो नहीं, आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर आवाज़ आई, बाबा क्या आज आप कथा नहीं सुनाओगे? फिर बाबा सहम गए। तीसरी बार फिर आवाज़ आई, बाबा क्या आज आप कथा नहीं सुनाओगे? जब यह आवाज़ आती है तो बाबा बोले, भैया मैं आज लेट हो गया और उजाला कुछ है नहीं, अंधेरा हो गया है, कुछ दिखेगा नहीं।
तो पेड़ों से आवाज़ आती है, बाबा अगर उजाला हो जाए तो आप हमें कथा सुना दोगे। बाबा ने कहा हाँ। आज वृक्षों के ऊपर दीपमाला जलने लगी और कथा प्रारंभ हो गई। यह कथा का यह संकल्प है, कथा तो जड़ लोग भी सुनते हैं, आप सब तो चेतन हैं। अगर जड़ में चेतना कथा से आ सकती है तो चेतन में चेतनता क्यों नहीं आ सकती? आ सकती है। मैं आप सबको एक ही बात नित्य कहता हूँ, कथा ही जीवन में हमारे जीवन की व्यथा को दूर करती है, कथा ही जड़ में चेतनता लाती है। कथा से बढ़कर कोई दुनिया में कुछ चीज़ नहीं है। जैसे श्वास से हमारा जीवन सुरक्षित है, ऐसे ही कथा हमारे जीवन में श्वास की प्रवृत्ति की तरह हमको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो कथा से बहुत सारे शंकाओं का समाधान होता है, समस्याओं का समाधान होता है, और मन में जो चंचलता होती है वो स्थिरता में कन्वर्ट हो जाती है। तो मैं आप सबको साधुवाद धन्यवाद देता हूँ कि आप नित्य कथा सुनते हैं। और मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि कथा कोई सुनने वाला, कई लोग कहते हैं जी कथा करने का आप क्या लेते हैं, तो मेरे मन से तो हमेशा एक ही भाव निकला है कि भैया जो आप कथा करा रहे हो ये बहुत बड़ा उपकार है। अगर आप कथा नहीं कराते तो हम कथा कहने वाले नहीं होते, आप कथा नहीं सुनते तो हम आपके यहाँ क्यों आते, आप कथा नहीं कराते तो हमें आपसे मिलने का अवसर क्यों। कथा ही तो है, आप सबसे जुड़ा है प्रमाण के तौर पर कि यह कथा का ही लक्ष्य है। जिस कथा के माध्यम से आप दूर दराज सुदूर देशों में बैठे हुए लोग भी हमसे जुड़ जाते हैं, या जुड़ गए, या हम आपसे जुड़ गए, या आप हमसे जुड़ गए, यह कथा का ही एकमात्र साधन है। कथा नहीं होती तो आप हमसे नहीं जुड़ते और हम आपसे नहीं जुड़ते। तो कथा ने जब हम आप कितने दूर रहने वाले लोगों को जोड़ दिया है तो मुझे विश्वास है निश्चित कथा हमें वाके बिहारी सरकार से अवश्य जोड़ेगी, इसमें किंचित संदेह नहीं। तो आइए कार्तिक मास की कथा को हम लोग आगे कहें। नारद जी बोले, दो घड़ी रात रह जाए तब उठकर तिल कुशा अक्षत फूल धूप दीप आदि लेकर पवित्र होकर किसी नदी तालाब कुआं आदि जलाशय पर जाए, मनुष्य की बनाई हुई नहर आदि तथा देवताओं की बनाई हुई नदियों में व संगम में स्नान करने से 10 गुना फल है। कितना गुना? घर में आप स्नान करते हैं तो 1 गुना है, पर इन स्थानों पर करते हैं तो 10 गुना है, परंतु तीर्थ में उसका दुगुना अर्थात 1000 गुना पुण्य हो जाता है, और अगर कोई धाम की व्यवस्था हो तो वह अनंत गुना हो जाता है। विष्णु भगवान का स्मरण करके स्नान का संकल्प करें, तीर्थ तथा देवता आदि को क्रम से आर्ग्यादि दे और कहे ही ऋषिकेश इस मेरे अर्घ को ग्रहण करिए। जब भी आप कोई पूजा करें पाठ करें और उस कार्य को करने के बाद भगवान को समर्पित करने को कहें, आपको प्रभु बार बार नमस्कार है, वैकुंठ में प्रयाग में अथवा बद्रिकाश्रम में जहाँ मुनि वेद और यज्ञों सहित जहाँ 3 प्रकार से विष्णु ने पद स्थापित किया है वह सब देवता हमारी रक्षा करें। हे कृष्ण, कार्तिक मास में दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए, भागीरथी विष्णु शिव सूर्य आदि को नमस्कार करके फिर जल में प्रवेश करें। नाभि पर्यंत माने नाभि जहाँ है कटी भाग से ऊपर जल में घुसकर विधि पूर्वक स्नान करें। गृहस्थी तेल और आंवले को चूर्ण मिलाकर मलकर स्नान करें। जो गृहस्थी लोग हैं कार्तिक के महीने में आंवला और तिल दोनों के द्वारा स्नान करने से जो शरीर का ग्रह दोष दूर होता है वो दूर हो जाता है। तो गृहस्थियों के लिए विशेष व्यवस्था है, कार्तिक के महीने में नित्य आंवला और तिल से मलकर स्नान करें। विधवा स्त्री और सन्यासी तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करें। जो विधवा हैं जिनके पति
परमेश्वर दिवंगत हो गए हैं या सन्यासी लोग हैं तो तुलसी के जड़ के नीचे की जो मृतिका है वह संपूर्ण अंग में लगावें। अगर रोजाना संभव न हो तो एक दिन तो अवश्य कर लेना चाहिए, परंतु सप्तमी अमावस्या द्वितीया और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला और तिल नहीं लगाना है। कौन तिथि? सप्तमी, अमावस, दूज और त्रयोदशी इन तिथियों में आंवला तिल न लगावे। स्नान, मंत्र, भक्ति, भावना जिन प्रभु ने देवताओं के कार्य के निमित्त रूप धारण किया था वे कृपा करके मुझे पवित्र करें। विष्णु की आज्ञा से इंद्र सहित सब देवता कार्तिक के व्रत को करने वालों की रक्षा करें। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करें कि हाथ में पवित्री धारण कर देव ऋषि पितरों को तर्पण करें। देखिए जो हम तीर्थों में जाते हैं तो वह हमें पूर्वज पितर ऋषियों के लिए तर्पण श्राद्ध स्नान आदि करना चाहिए, तभी हमारा भी कल्याण है और हमारे जो पूर्वज हैं उनका भी कल्याण है। पर अब हम क्या करते हैं, तीर्थों में जब भी कहीं जाते हैं ना तो वह हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। गलती क्या होती है कि हम वहाँ पर भोग आदि के संसाधनों में घूमने फिरने में इतने मस्त हो जाते हैं, माने हम तीर्थों को आज पिकनिक मना लिए हैं। तीर्थ में कभी पिकनिक के भाव से आप न जावें। तीर्थ में केवल पूजा पाठ तर्पण पूजन दान का भाव लेकर तीर्थों में जाना चाहिए, और पिकनिक मनाना हो तो तीर्थ में कभी नहीं जाना चाहिए, ऐसा सिद्धांत कहता है। व्रती मनुष्य इस प्रकार स्नान करके हाथ में पवित्र धारण कर देव ऋषि पितरों का तर्पण करे। अगर ऐसा कहते हैं हम तीर्थों में जाकर तर्पण श्राद्ध पूजन नहीं करते हैं तो हमारे पितर ऋषि लोग कुपित हो जाते हैं, अर्थात जहाँ पुण्य मिलना होता है वहाँ पाप हो जाता है। कार्तिक के महीने में तर्पण में जितने तिल होते हैं उतने वर्ष पितर स्वर्ग में वास करते हैं। बड़ा सुंदर विचार है सब, माने स्नान तर्पण के समय जितने तिल का दान आपने अपने पूर्वजों को किया है उतने ही दिन आपके पूर्वज पितर स्वर्ग में वास करते हैं। तिल दान का बड़ा विशेष महत्व है। तदनंतर जल में से निकलकर पवित्र वस्त्र धारण कर प्रातः काल के कर्मों को समाप्त कर हरि भगवान का अर्चन करें। तीर्थ और देवताओं का स्मरण करके भक्ति पूर्वक गंध पुष्प और फलों से अर्घ प्रदान करें। अब भगवान को अर्घ प्रदान करें, तब वेद पाठी ब्राह्मणों का पूजन करें। अगर निकट में कहीं ब्राह्मण वेद पाठी रहते तो उनका पूजन करना चाहिए, गुरुजनों का पूजन करना चाहिए। ब्राह्मण विष्णु स्वरूप हैं ऐसा शास्त्रों में कहा है, इसीलिए अपने कल्याण चाहने वाले कदापि ब्राह्मण गुरु संत महापुरुषों का अपमान और विरोध ना करें। देखो हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो हमें बुरा करने का भी कोई अधिकार नहीं है। फिर हरि की प्यारी तुलसी जी का पूजन कर परिक्रमा दे, नमस्कार करे और कहे कि देवताओं ने प्रथम तुम्हें बनाया, मुनियों ने पूजा है, सो तुम मेरे पाप को हरण करो। भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त विधियों को करने वाला नारायण को सालोक्यता को प्राप्त करता है, अर्थात वैकुंठ को प्राप्त करता है। रोग और पातकों का नाश करने वाला, उत्तम बुद्धि, उत्तम पुत्र, उत्तम धन तथा मुक्ति को देने वाला विष्णु भगवान के प्यारे कार्तिक के व्रतों के सिवाय दूसरे व्रत इतने उत्तम नहीं हैं। अतः कार्तिक के महीने में सभी साधक भक्तगण नियम पूर्वक श्रद्धा भाव पूर्वक जो कार्तिक मास में नियम बताए गए हैं उनका हम सबको पालन करना चाहिए। आइए यह छठवें दिवस की पावन कथा विश्राम लेती है। कार्तिक दामोदर भगवान हम सबका कल्याण करें और जो नियम बताए जाते हैं नियम को पालन करें। नियम का पालन करने से ही परमात्मा के श्री चरणों में प्रेम होता है। याद रखो हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, ना सुननी है और ना करने देना है। कई निंदा स्तुति कोई करता हो पहले तो मना ही करें, मना न कर पाने पर आप लोग वो न माने तो वहाँ से चले जाएं। कि जैसे चूल्हे के साथ में कोई गृहिणी खाना बना रही है
अब उसको तो एक मजबूरी है कि बेचारी को धुआं लगेगा, पर अगर वहाँ निकट में आप बैठते हैं तो आपको धुआं लगे वह तो कोई कारण नहीं जान पड़ता। जिसकी आदत है, हैबिचुअल है, वो बुराई करेगा, छल करेगा, कपट करेगा और दम करेगा, तो उन पे हमें नहीं जाना। कल आपको कहा था ना कि सनकादिकों ने जय विजय को श्राप दिया कि तुम वैकुंठ में रहने के अधिकारी नहीं हो, कि तुम्हारे मन में वैकुंठ में रह करके मनुष्य जैसी सोच है। मनुष्य में क्या तीन बातें जो हमें बहुत परेशान कर रही हैं? एक का नाम है काम, दूसरे का नाम है क्रोध और तीसरी का नाम है लोभ। तीन नरक के पंथ हैं, काम, क्रोध और लोभ। नरक जाने के सहज जो मार्ग हैं उनका नाम क्या है? क्या नाम है? काम, क्रोध और लोभ। नरक जाना है तो आप लोगों को कुछ प्रयास नहीं करना है। कामी और क्रोधी और लोभी व्यक्ति सीधे नरक जाते हैं। नरक जाने वालों का रिजर्वेशन पक्का है, वहां जाना ही पड़ेगा। तो अब मैं आपको एक बात कहूं कि आपको स्वर्ग जाना है तो काम, क्रोध और लोभ से रहित हो जाओ, पर ऐसा होगा नहीं। तो इनकी जगह पर तीन काम है। नरक के तो तीन रास्ते बता दिए, स्वर्ग के तीन लाभ हैं, सेवा करो, दान करो और यज्ञ करो। वैकुंठ जाने के तीन मार्ग हैं, भजन करो, भक्ति में समर्पित और गुरुजनों के चरणों में सदैव समर्पित भाव रहो। कामनाओं का त्याग करके जो व्यक्ति भजन करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो सनकादिकों ने श्राप दे दिया कि कहाँ जाओ? बोले महाराज, अब देखो कितनी अच्छी बात है, आइए भागवत की कथा की ओर हम चलें। सनकादिकों ने श्राप तो दिया परंतु जय विजय उत्तेजित नहीं हुए। कभी भी अपने से बड़े, अपने से बड़े चाहे माता पिता हैं, चाहे गुरुजन हैं, संत जन हैं, अतिथि जन हैं, वृद्ध है, आयु में कोई हमसे बड़ा है या सम्मान पद में बड़ा है, अगर वह कभी भी कोई भी आपको दंड दे उसे अपनी गलती मानकर सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जय विजय वहाँ लड़ने लग जाते तो मामला गड़बड़ हो जाता। पर क्या कहा है? बोले प्रभु, जो आपने हमें दिया है वह उत्तम ही है, जो आपने दंड दिया है वह तो उत्तम है ही, पर एक प्रार्थना है, हम किसी भी योनि में जाएं, किसी भी जन्म में जाएं, हे ईश्वर हमारी सदमति उनमें बनाए रखना। क्या बोला है? ठाकुर जी के श्री चरणों में निश्चल भक्ति का जन्म हो, ऐसी आप हम पर कृपा करें प्रभु। अब भगवान ने यहां आकर दर्शन दिया है। एक और मजे की बात, भगवान ने दर्शन अंदर नहीं आने दिया, बाहर ही आगे। क्यों आगे? कि क्रोध मेरा है चाहे आपका है, चाहे किसी महान पुरुष का है, वह वास्तव में ही हानिकारक है। अब सनकादिकों को क्रोध आया तो भगवान के अंतःपुर के दर्शन न होकर के द्वारक में ही दर्शन हुए, माने हमारा ही पतन होता है। क्रोध करने वाला और सहने वाला दोनों का ही, करने वाले का अहित ज्यादा है और सहने वाले का हित ज्यादा है। तो संत का एक और मैं आपको उस क्रोध के विषय में समझाऊं। संत का जो क्रोध है, माता पिता गुरुजन या अपनों से बड़ों का जो क्रोध है ना दुनिया वालों, यह हमारे लिए हितकारी होता है। कभी भी कहीं भी अपने से आयु में बड़ा, ज्ञान में बड़ा, पद में बड़ा, माता पिता गुरुजन संतजन आप पर क्रोध करें या आपको दंड दें तो ऐसा मान लेना चाहिए इसमें मेरा भला है। क्या है? भला है। अब यहाँ क्या होता है? अब हर आदमी होता है ना, तो भला नहीं समझता है, वो तो समझता है मेरा तो बहुत बुरा है, इन्होंने यार मेरी, आजकल तो बड़ा होता है ना, गलती कोई करे और उसे वहाँ तुम डांट दो या कोई ऐसा विरोध कर दो तो क्या कहता है? अकेले में मुझे कहना, सबके सामने नहीं। मैं आपको इस बात में बरसों से मैं इसी बात से बड़ा परेशान रहा कि हम गलती तो करते घर में, घर के द्वार पर, तो डांटने क्या कोई कमरे में ले जाके थोड़ी डांटेंगे? माँ बाप को क्या लाइसेंस लेने की जरूरत है? गुरु शिष्य को डांटता है तो क्या गुरु को शिष्य लाइसेंस लेना पड़ेगा मैं तुम्हें डांटू कि नहीं? याद रखें,
कहीं भी, यहां पर तो सनकादिकों ने वैकुंठ में उनका उनको दंड दिया है ना। गलती जहां भी हम करें, गलती करने से पहले यह हमें निश्चित कर लेना चाहिए, अगर हमें गलती का कोई दंड देने लगा तो क्या हम सह पाएंगे। मंदिर में गलती करते हैं तो दंड कहां मिलेगा, फिर मंदिर में ही मिलेगा। तीर्थ में गलती करते हैं तो तीर्थ में मिलेगा। जहां पर हम गलती किया करते हैं बंधु, वहीं हमें दंड के लिए तैयार रहना चाहिए। प्रेम से कहिए जय गौ माता। भैया यहां सनकादिकों ने भगवान के दर्शन करने पर माने प्रार्थना की है, प्रभु आपका श्रेयस अत्यंत कीर्तनीय है, सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला, आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग हैं, आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके आत्यंतिक प्रसाद मोक्ष पदवी कुछ अधिक नहीं गिनते। जो भगवान के भक्त होते हैं ना भैया, वो भगवान के दर्शन और उनके शरणागति के अलावा संसार में कुछ को श्रेष्ठ मानते ही नहीं है। और एक और बात बताएं, फिर जिन्हें आपका जरासी टेढ़ी भौंही भयभीत कर देती हैं, उन इंद्रपद आदि भोगों के विषय में तो कहना ही क्या है। एक बात और समझें, कामं भवः स्वव्रजनैर निरयेषुना इस्ता चेतो अलवद्याद नुते पदयो रमेत वाचस्यनस्तुल शिवाद्यादिते शोभा पूर्वे तते गुणगर्मैर यदि कर्णरन्ध्र। भगवन यदि हमारा चित्त भौरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध में ही सुशोभित हो, और हमारे कान आपके सुयश सुधा के परिपूर्ण रहें, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसमें हमें कोई चिंता नहीं। परंतु विपुल कीर्ति प्रभु, हमारे आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों को बड़ा आनंद आ रहा है। भगवान के दर्शन करके आंखों को जितना आनंद आए ना, तो समझो अब आपका प्रेम ठाकुर से हो रहा है। कानों को भगवान की कथा सुन करके आपको आनंद आने लगे, तो समझ लो कि अब आप पर आपका प्रेम प्रभु से हो रहा है। आपकी सेवा करके आपको अच्छा लगने लगे, कई लोग होते सेवा तो करते बेमन से करते हैं, और जो आनंद आने लगे, जो भोजन करे फीवर हो जाए, तो कितना भी अच्छा खाना खिलाओ अच्छा नहीं लगता। जब आपको भोजन में स्वाद आने लगे, टेस्ट आने लगे, तो समझो कि बुखार खत्म है। अभी तक संसार का बुखार तुमको है, जिनको संसार का बुखार चढ़ा हुआ है ना, तो उनको भगवान के दर्शन अच्छे लगते हैं, ना भगवान की कथा अच्छी लगती है, ना भगवान का कीर्तन अच्छा लगता है, ना भगवान के भक्त संत गुरु अच्छे लगते हैं। तो यह समय लेना चाहिए, जैसे एक सामान्य व्यक्ति को बुखार होने पर भोजन संसार की हर वस्तु भी कड़वी नजर आती है, माने उसमें रुचिकर नहीं होती, उसी तरह जिस व्यक्ति को संत गुरु ब्राह्मण गाय अच्छे नहीं लगते हैं, कथा अच्छी नहीं लगती है, कीर्तन अच्छा नहीं लगता है, दर्शन अच्छा नहीं लगता है, तो मानना चाहिए अभी इनके जीवन में पापों का ज्वर शेष है। जब ये प्रमाण है, जब आपके पाप का ज्वर कम हो जाएगा तो आपको भगवान अच्छा लगेगा। पर भगवान अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, कि अभी पाप का ज्वर आप पर चढ़ा हुआ है। जैसे ज्वर रहा शरीर में तो भोजन अच्छा नहीं लगा, उसी तरह आज हम पर और आप सब पर पाप का ज्वर चढ़ा हुआ है, इसीलिए हमें भगवान की कथा, भगवान के दर्शन, गुरु की बात अच्छी नहीं लगती, दान की सेवा की भजन की बात अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कोई दान की बात करे ना, ये तुम्हारा बड़ा दुश्मन है। कथा अरे इसको सुनो, बड़ा दुश्मन है, क्योंकि पाप का ज्वर उसको नहीं जाने देता। तुलसी पूर्व जन्म से हरि चर्चा न सुहाय,
कई लोग कथा में जबरदस्ती चले तो जाते हैं, आ भी जाते हैं, पर उनको कथा अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? तुलसी पूर्व जन्म से हर चर्चा न सुहाए। बोले फिर, बोले या सोवे, या तो जाके सो जाएगा, या झगड़ा करेगा, और या घर में भग जाएगा। ये तीन कारण हो रहे हैं, समझो अभी इसके पाप से। इसे भगवान की कथा सहज नहीं है। भगवान की कथा के लिए तो व्यक्ति को बड़ा अगाध प्रेम और अगाध कृपा की आवश्यकता है। देखो दास, 34 साल भगवान की कथा कहने के बाद आज जो कृपा हम पर हुई है वो 34 साल में नहीं हुई। ये कृपा है। कथा में अब अनुराग हो गया है, सुबह से कुछ खाया नहीं, पीता, रोजा नहीं, आज नहीं, खाते नहीं, पीते नहीं, हवन और कथा जब तक नहीं हो जाती है, गायों की सेवा दर्शन जब तक नहीं हो जाते हैं, माने कुछ पीने की और खाने की इच्छा नहीं होती। आप समझिए कि शायद 10:30 बजने वाले हैं, आपने तो मुझे लग रहा है सब लोगों ने पानी पिया ही होगा, चाय पिया ही होगा, ब्रेकफास्ट तो हो ही गया होगा, जूस फ्रूट तो खा ही लिया होगा, पर यह दास अभी तक निराहार है, माने कुछ नहीं लिया, क्योंकि ये अनुराग है। माने हम तो करोना का बड़ा धन्यवाद करते हैं, अगर करोना नहीं आता तो गाय में और गोविंद में, भागवत जी में जो अगाध प्रीति की प्राप्ति हुई है वो शायद नहीं आती। ये करोना का बड़ा उपकार, ईश्वर जो कुछ करता है, हैं? कई बार हमें लगता है यार गलत हो गया, पर बहुत दिन से मैं सोच रहा था, ये तो हम गुनगुनाते रहते, आजकल ये आ ही नहीं रहा है, कल आया ये शब्द। ईश्वर जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। सुख दुख आते जाते रहते सबके जीवन में, पतझड़ और बहारें जैसे दोनों गुलशन में, चढ़ता है तूफान कभी और कभी उतरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। ये सच बात है, हमारा जीवन परिवर्तनशील है, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। हमेशा हर हाल में भगवान को एक ही बात कहना चाहिए, राजी हैं हम उसमें जिसमें तुम्हारी रजा है, यों भी वाह वाह है और त्यों भी वाह वाह है, हमारी वाह वाह में कोई कमी नहीं है, गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी, अपना तुझे समझकर, अपना तुम्हें समझकर हमने सब गम भुला दिया है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भैया यहां पर विषयाशक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टि गोचर होना अत्यंत कठिन है। जो सामान्य पुरुष हैं, भगवान का दर्शन वास्तव में बड़ा दुष्कर भी है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। आज भगवान को वार 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 प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। कम शब्दों में मैं आज के कथा सार को आपको एक ही भाव में कह दूं, एक ही भाव में कह रहा हूं कि आप जैसे भी हैं, संसार के पाप के बुखार को कम करके भगवत कथा में प्रेम हो, और यह तब होगा जैसे बर्तन को मांजने पर उसका जो मैल है वह दूर होता है, उसी तरह हरि भक्त श्रोताओं जितना आप भगवान की कथा सुनेंगे, कथा कीर्तन करेंगे, नाम जप करेंगे, उतने ही तुम्हारे मन के ऊपर जो परतें जमी हुई हैं वो दूर हो जाएंगी, और वो दूर हो जाएंगी तो आपको मेरे रास बिहारी प्रभु का, मेरे बांके बिहारी का साक्षात्कार ऐसे ही होगा जैसे सनकादिकों को हुआ भगवान का दर्शन। तो आप सबको मेरी यही मंगल कामना है कि भागवत भगवान आप सबका मंगल करें, क्यों भागवत भगवान तो कल्प वृक्ष हैं,
क्या है, कल्प वृक्ष है। यहाँ पर तो जो आप कल्पना करेंगे वह कार्य अवश्य पूरा होगा, और मुझे आशा भी है, उम्मीद भी है कि एक दिन वह होगा कि अगर निरंतर 365 दिन वाली कथा आप सुनते रहे ना, मेरा विश्वास है कि मेरे से भी ज़्यादा कथा में और गोविंद में और गाय में और गुरु में अनुराग हो जाएगा, निश्चित होगा। और मैं तो एक ही बिहारी जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे ठाकुर, आपने इतनी कृपा की है। कल मेरे मन में विचार आया कि अगर हम बाहर नहीं जाएंगे तो व्यवस्थाएं कैसे चलेंगी। कल हमारी उषा शेट्टी माता जी भी न्यूजीलैंड से जब बात हुआ कल तो कहने लगी कि पैसा तो हमें चाहिए। मैंने कहा, कल शिवानी नवीन से न्यूजीलैंड बात हुआ और उन्होंने आश्वासन दिया, जो मैंने कहा ना कि उनके सहयोग की परम आवश्यकता है, तो देखो उन्होंने बड़ा अच्छा आश्वासन दिया कि हम भारत जब भी आएंगे जो आप हमें आज्ञा करेंगे वही हम गायों की सेवा में लगेंगे। मैंने प्रस्ताव दिया कि गौ चिकित्सालय को, देखो क्या है कि वास्तव में आप सबकी बात है, गौ चिकित्सालय को पूर्णतया स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए लगना है। एक्यूमेंट आएगा, एक्सरा मशीन आएगी, ऑपरेशन के लिए उनका एक ऑपरेशन रूम तैयार होगा, स्टाफ की सैलरी है, साथ साथ में ये सब काम होगा, और शेड बनना है, 2 एम्बुलेंस आनी है। तो हमने कहा भैया अभी कोई आवश्यकता नहीं है, आगे जब भी आप आएंगे तब उस पर कार्य करेंगे। तो उषा सेठी माता ने उनको आदेश दिया और वो दोनों हमारे भाई संबंधी हैं, तो उन्होंने भी हमें निराश नहीं किया और कहा महाराज जी जो आपका आदेश होगा हम पालन करेंगे। तो जोरदार करतल ध्वनि से मैं धन्यवाद करता हूँ कि कल की ही एक दिन की प्रेरणा काम आई। और मैं आपसे एक निवेदन करूँ, देखो मैं अपने लिए आपसे कुछ नहीं मांगता, ना पहले मांगता, ना आज मांगता हूँ, ना कल मांगूंगा। मेरे जीवन में न खाने की, न पीने की, न जीने की, न मरने की कोई इच्छा ही नहीं है। सच आप जो मेरे से निकट से जो लोग मुझे जानते हैं, आपने देखा होगा ना, मुझे खाने का कोई शौक है, ना पीने का शौक है, ना पहनने का शौक है, ना घूमने का शौक है, ना वेल मेंटेन करके अपने आप को रखने का शौक है। हम तो जिए जा रहे हैं, हम तो तेरी राह में चलिए जा रहे हैं और तेरी चाहत में जिए जा रहे हैं। हम बस ये मानते हैं कि ठाकुर जी के लिए हम आए हैं, उनके कार्य हमें करने। पुरुषार्थ जैसा आप जानते हैं, मानव जागृति संस्था तत्वा के तत्वावधान में सुरभि गोदावरी गौ सेवा चल रही है, और सुरभि गोदावरी गौ चिकित्सालय के द्वारा गौ चिकित्सा, अब गौ हॉस्पिटल स्थापना हम कर रहे हैं। तीसरा, परिक्रमा मार्ग में अन्न क्षेत्र एवं, देखो ये होता है आ काम अजर अमर, भक्तिमती चंद्रकांता और उनकी माँ रोशनी माता ने अपना संपूर्ण जीवन का धन मानव जागृति संस्था को समर्पित किया। अब इसका लाभ देखिए, उनके ही नाम से, क्योंकि बिना पैसे के तो नाम का कलयुग में क्या पहले भी नहीं होता था, उनके ही नाम से अन्न क्षेत्र की शुरुआत हो गई है और उन्हीं के ही नाम से वृद्धाश्रम बन रहा है। ये आप जरा सोचो, आपने सारे जीवन का धन लगाया तो आपका कहीं नाम नहीं, परंतु उन्होंने अपना अल्प धन ही लगा दिया है, उन्हीं के धन के द्वारा वृद्धाश्रम और उन्हीं के द्वारा अन्न क्षेत्र और उन्हीं के द्वारा गौशाला का विशेष प्रकल्प भक्तिमती कामधेनु, भक्तिमती चंद्रकांता कामधेनु प्रखंड बनेगा एक गौशाला में, भक्तिमती रोशनी माता नंदनी खंड बनेगा उनके ही नाम से। तो आप गौशाला में अपने पूर्वज या अपने कल्याण के लिए गौ सेवा प्रखंड बना सकते हैं, जे एक खंड में लगभग जहां पर 50 गायों की व्यवस्था रहेगी, माने खाने की, रहने की, बैठने की, उस 3 शेड में लगभग 5 लाख रुपए का अनुमानित खर्च होगा।
अनुमान है। 100, 200, 500 ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो ये भक्तिमती चंद्रकांता के धन से यह कार्य हो चुके हैं और हो रहे हैं। अगर आप भी ऐसा ही आशीर्वाद ऐसा ही कहते हैं जो धाम में अपने आप के लिए अपने पूर्वजों के लिए स्थान बना देते हैं, उनके पूर्वज पितर सदैव वहां वास करते हैं और बनवाने वाले परिवार को सदैव आशीर्वाद देते हैं। आप चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों का भी वास वृंदावन में हो, गौ माता के चरणों में हो, तो ये 3-5 प्रखंड बनने हैं। एक नंदी प्रखंड बनना है, एक नंदनी, एक सुरभि, एक कामधेनु, एक गोदावरी, 5 खंडों में। एक में बच्चे रहेंगे, एक में उनसे युवा रहेंगे, एक में दूध देने वाली, एक में वृद्ध, एक में रोगी। तो इस प्रकार से व्यवस्था गौशाला में होगी। और आप जैसा जानते हैं गौशाला के लिए गोचर भूमि क्रय करते रहते हैं, तो जिस किसी का मन या भाव बने कि हम पूर्वजों के निमित्त भूमि दान करना चाहते हैं तो वह व्यवस्था भी है। गौशाला में गौदान करना चाहते हैं आके, वह व्यवस्था भी है। और कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक में 5-7 लोग यहाँ आकर के सभी गौशालाओं में घूमे और उन्होंने कहा गुरुजी जो यहाँ के व्यवस्था हमें देखी बहुत अच्छा लगा और यही हम गौदान करना चाहते हैं। तो आप भी कार्तिक के महीने में गौदान आकर गोपाष्टमी वाले दिन अवश्य करें। एक मलेरकोटला से, पंजाब से माता आ रही हैं, एक बठिंडा से आ रही हैं, एक फरीदाबाद से आ रही हैं, एक खन्ना पंजाब से आ रही हैं, एक माता दिल्ली से आ रही हैं। तो जो भी भक्त महानुभाव गौदान का भाव रखते हैं उनसे मेरा निवेदन है के 10 दिन पहले आपको गौदान करने की सूचना देनी होती है। 10 दिन में किसान के यहाँ से गाय मिल पाती है। अचानक आप आए और आप सोचे गौशाला से दान होगा, जैसा आप जानते हैं गौशाला से गाय का दान किया नहीं जाता, दान लिया जाता है। तो यह व्यवस्था है, सब आप जानते हैं। आज के सभी गौदान भक्त परिवार का हम लोग आशीर्वाद मंगल कामना करते हैं। गौ माता आपका, आपके परिवार का, सभी दानियों का, सहयोगियों का कल्याण करे, ऐसी मंगल कामना। और आप सब लोग, यह सुरभि गोदावरी गौशाला आपकी है, आपके निमित्त है, आपके कल्याण के लिए है। यह दास तो केवल एक यहाँ पर चाकर है, एक नौकर है और इनका चरण रज का किंकर है, मेरा कहीं कुछ नहीं है। जो है गौ माता का है, बुलवाती गौ माता है, करवाती गौ माता है, करा रही गौ माता है और आप सबके सहयोग से यह कार्य हो रहा है। तन भी आपका है, मन भी आपका है, धन भी आपका है। कभी कोई यह ना सोचे कि मैं यहाँ कुछ हूँ, मैं कुछ नहीं, केवल निमित्त माध्यम और कुछ नहीं। करने वाले प्रभु हैं, कराने वाले प्रभु हैं। उषा माता लिख रही हैं कि आज आप लेट हो गए। हाँ माता जी, आज मैं गायों के लिए भूसा लेने मंडी चला गया था तो वहाँ विलम्ब हो गया, इसके लिए खेद है। और आप सब लोग इंतज़ार किया करें क्योंकि राहों में खड़े हैं दिल थाम के, भगवान की राहों में दिल थाम के खड़े रहो, आज नहीं तो कल वो आएगा। और एक ही बात गुनगुनाते रहो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो लगाया गुनगुनाते रहो, आज नहीं तो कल वो मांझी बनकर आएंगे। और जब मांझी बन गए, जिसके प्रभु हो उनको क्या परवाह है, क्या चिंता है, क्या टेंशन, कोई टेंशन मत करो। हाँ, चिंता वो करते हैं जो गोविंद का चिंतन नहीं करते। आप सबको बहुत बहुत बधाई आशीर्वाद। नित्य की भांति संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम, कल ठीक 9 से 10 बजे।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे।